जय भीम साथियों, जैसा कि आप देख सकते हो कि आज हम फिर से बसोत्रा सर जी को समर्थन देने अंबेडकर चौक जम्मू में आए हुए हैं। तो आज का जो हमारा मेन विषय है वो है कि बसोत्रा सर जी से कोई अपनी कोई मन की बात बसोत्रा सर जी के करने के लिए हम इधर हाजिर हैं। तो आज की बसोत्रा सर जी जो हमारी मन की बात है वो बात ये है कि जो हमारा ऐसी समाज है वो ऐसी समाज जहाँ तो अवेयर नहीं है, तो जहाँ उनके कौन सी ऐसी जो रुकावटें हैं जिसकी वजह से खुल के सामने नहीं आ रहे। और तो ऐसी समाज बाबा साहब का तो नाम ले रहा है पर बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी है उस पर खरे उतर नहीं रहे वो। अनिल जी, ये जो हमारा बहुजन समाज है जिसमें एससी एसटी ओबीसी आते हैं और वैसे 90% मुस्लिम सिख क्रिश्चियन भी हम ही से कन्वर्टेड हैं, हमारा ही डीएनए हमारा ही खून है। तो हमारे बहुजन समाज की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो मूवमेंट खड़ी करने में एक रुकावट सबसे बड़ी आ रही है, वो है वर्ण और जातियों में जो दुश्मन ने हमें बांट दिया है। और इस वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था ने जो हमारे लोगों के दिल दिमाग में घर कर लिया है, और वर्ण और जातियों का जो मीठा जहर उन्हें बड़ा स्वादिष्ट लगता है, यही सबसे बड़ी बाधा है हमारी बहुजन मूवमेंट को खड़ी करने में। मेरा ऐसा मानना है कि जितनी भी हमारी कास्ट हैं उनको एक फार्मूला अडॉप्ट करना पड़ेगा जातियों का समीकरण बनाने में, क्योंकि इस बात को मैं भी समझता हूँ कि जातियों का विनाश अब शुरू हो चुका है, वर्ण व्यवस्था का विनाश शुरू हो चुका है और हिंदू धर्म का लगभग अंत तय हो ही चुका है। हिंदू धर्म उसी दिन समाप्त हो जाएगा जिस दिन वर्ण और जातियाँ समाप्त हो जाएंगी, ये व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। मगर ये अभी इतनी जल्दी होना संभव नहीं है। अतः इस वक्त आज की डेट में जो फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा पूरे भारत में और पूरे विश्व में अपना असर दिखा रही है, उसके संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि फॉर द टाइम बीइंग सभी जातियाँ जातियों के समीकरण बनाने पे, जातियों के समीकरण बनाने पे जोर दें, इस पे अपनी माथापच्ची करें और उसके कुछ तरीके उनको अपनाने पड़ेंगे। अब ये बात तो तय है कि जातियों के ठेकेदार ये नहीं चाहते जातियाँ समाप्त हो जाएँ, जातियाँ ख़त्म हो जाएँ, क्योंकि उनकी दुकानदारी उसी से चलती है, उसी सिस्टम से वो मनुवादियों के तलवे चाट चाट के कुछ पैसे कमा लेते हैं, कुछ सभा के लिए फंड्स ले आते हैं और कुछ अपने समाज को अपनी जाति को बेचने का कार्यक्रम चलाते रहते हैं। तो जातियों के जो ओहदेदार हैं, जातियों के जो ऑफिस बीरर रहते हैं, वो अक्सर बिके हुए लोग होते हैं, वो दुश्मन के खेमे में पाले में रहते हैं अपने स्वार्थ की खातिर, अपने मफाद की खातिर। तो ऐसे में मेरा इतना मानना है कि इन सब लोगों को फिलहाल इतना ही कन्विंस कर लिया जाए कि ये जातियों का समीकरण बना लें। फॉर एग्जांपल, हर बिरादरी अपने बिरादरी की सभा के बाहर अपना नाम लिखती है, लिखे उस नाम को लिखने के साथ सारी एससी एसटी ओबीसी की बिरादरियां उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखें जय मूल निवासी, और सबका एक ही स्लोगन हो जय मूल निवासी, और उसके ऊपर वो बुद्ध का जो है एक आइकन लगा दें, क्योंकि हम सारे मूल निवासी बहुजन बुद्धिस्ट ही थे। उसकी बाईं तरफ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति का बैल का निशान लगा लीजिए, क्योंकि हम सभी उसी सभ्यता से आते हैं। अपने नाम के दाईं तरफ अशोका स्तंभ लगा लीजिए ताकि बुद्ध और अशोका की विरासत से हम अपने आप को जोड़ सकें, और नीचे अशोक चक्र जो है वो लगा लीजिए। तो सारी बिरादरियाँ बिरादरी और जाति के नाम के साथ ये सारे चिन्ह अंकित करके एक मैसेज जो है आपस में एक दूसरे को दे दें कि ठीक है अभी हम जाति को मान रहे हैं तो जाति को लेके ही चलेंगे, मगर हम सब लोग एक ही ओरिजिन से हैं और उसी ओरिजिन में वापस समा जाएंगे, अंततः एक दिन जातियां समाप्त होंगी और हम सब एक हो जाएंगे। इसके लिए उन्हें एक काम और करना चाहिए, अपनी जाति का जो संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबको एक ही बनाना चाहिए, सिर्फ उसमें जाति का नाम अलग अलग वो लिख लें और उसका सब फॉर्मेट जो एक रहे और उसके ऑब्जेक्टिव क्लास सबके एक रहें, लक्ष्य एक रहें, और एक ऑब्जेक्टिव तो सारी जातियां अडॉप्ट करें कि उनका अंतिम लक्ष्य जातियों का विनाश कर, वर्णों का विनाश कर सबको एकजुट करना है। जैसे कि बाबा साहब ने 1935 में येवला में कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ मगर हिंदू रह के मरूंगा नहीं,
और लगातार प्रयासरत रहे। 1954 में म्यांमार में वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं जल्द ही बुद्ध धम्म में जाऊंगा, और अल्टीमेटली 14 अक्टूबर 1956 को जब बौद्ध धम्म में गए और 15 को जब उन्होंने भाषण दिया कि लाखों लोगों को कन्वर्जन करा के 22 प्रतिज्ञाओं के साथ, तो उसमें उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया कि ताकतवर लोग, इंटेलेक्चुअल लोग, पैसे वाले लोग, सत्तासीन लोग, इन लोगों को धर्म की ज़रूरत नहीं होती है, मगर दबे कुचले पिछड़े कमज़ोर इन लोगों को धर्म की आवश्यकता रहती है। इनको लगता है कि अगर इनसे धर्म छिन गया तो इनके प्राण निकल जाएंगे, तो बाबा साहब ने कहा कि इनको धर्म की जगह धम्म दे दो, यानी एक नया धर्म दे दो, बुद्ध का धम्म दे दो, ताकि ये साइंटिफिक रीजनिंग और लॉजिक बेस्ड धम्म में आकर आने वाले समय में उस दबे कुचलेपन से निकल कर आगे बढ़ें। तो मेरा भी यही मानना है कि संविधान जितनी भी जातियों के सबके एक हों और एक जैसे उसमें प्रावधान हो, लक्ष्य एक जैसे हों, और एक लक्ष्य तो सभी अडॉप्ट करें कि अल्टीमेटली सभी जातियों को हमने एकजुट करके मूल निवासी बहुजन समाज अल्टीमेटली बनाना है, जिसमें एससी एसटी ओबीसी और हमसे कन्वर्टेड मुस्लिम सिख क्रिश्चियन भी आएंगे, और हम सब लोग एक दिन आपस में रोटी बेटी के रिश्ते खोल देंगे। एक तो ये करना पड़ेगा अनिल जी। दूसरी बड़ी बात जो जातियों को करनी पड़ेगी वो ये है कि सभी जातियों को फॉर द टाइम बींग आज की तारीख में दो दो इंटेलेक्चुअल जो नॉन एफिलेटेड हों, पॉलिटिकली सोशली रिलीजियसली के किसी के साथ उनकी कोई एफिलिएशन ना हो, वो फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा के लोग हों और समाज के लिए मर मिटने को तत्पर और तैयार हों, ऐसे दो दो तीन तीन लोगों को एक समूह बना लें, उसे ये थिंक टैंक का नाम दे दें, और वो थिंक टैंक जो है अपना स्वार्थ छोड़कर, अपना समय देकर, अपना सर्वस्व लगाकर लगातार मिशन के काम में लगा रहे, और जो फैसले वो थिंक टैंक ले, वो सारे फैसले सभी बिरादरियों को, सभी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को, और फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा के तहत चलने वाले चाहे कोई राजनीतिक दल क्यों ना हो, उन सबको मान्य होने चाहिए, और फिर यही थिंक टैंक डिसाइड करे किस राजनीतिक दल को या किस व्यक्ति को राजनीतिक तौर पर आगे लाना है, किसके थ्रू मीडिया खड़ा करना है, और किसके थ्रू ये सारा मिशन फैलाना है, और सारी बिरादरियां जो हैं, सारी जातियां जो हैं, वो इनका समर्थन करें और इनकी बात को अटल सत्य माने, परम सत्य माने, और पूरी तरह से अपने समाज में इम्प्लीमेंट करें। मेरा ऐसा मानना है कि इन दो बड़े कार्यक्रमों को चलाने के बाद हम जाति व्यवस्था और ये जो वर्ण व्यवस्था है, इस पर एक बहुत बड़ा आघात, इस पर बहुत बड़ा कुठाराघात, एक अटैक कर सकते हैं। जैसे संत राम भीए जी बाबा साहब के समकालीन थे, उन्होंने अपने समय में कसम खाई थी कि मैं अपने परिवार के सिर्फ उस सदस्य की शादी में शामिल होऊंगा जो अंतर जातीय शादी करेगा, और उसके घर के सारे सदस्यों ने अंतर जातीय शादियाँ की। इसके अलावा उन्होंने समाज को भी ये मैसेज दिया था कि मैं सिर्फ उस शादी में शामिल होऊंगा जो अंतर जातीय होगी, और उस ज़माने में 10,000 से ज़्यादा शादियां संतराम बीए जी ने उस ज़माने में करवाई थी, और 100 से ज़्यादा किताबें, लिटरेचर उन्होंने लिखा, हिंदुत्व जो हिंदुओं के लिए ही खतरा है, ये किताब भी उन्होंने लिखी। तो इतने रेवोल्यूशनरी लोग हमारे समाज में रहते हैं, वो कुम्हार बरादरी से आते थे, मगर आज हम जहाँ जम्मू में जब कुम्हार बरादरी की हालत देखते हैं तो हमें लगता है कि संतराम बीए के वो 1% भी रेवोल्यूशनरी या मिशनरी नहीं बन पाए हैं। काश वो संतराम बीए जी को पढ़ते, काश कर्पूरी ठाकुर को नाई बिरादरी वाले लोग पढ़ते, इसी तरह लोहार तरखान बिरादरी के लोग भी काश अपने आइकन्स को, उन आइकन्स को पढ़ते। अब लोग बात रविदास जी की करते हैं, बात कबीर की करते हैं, फिर उनको जाति में बांधते हैं। यहाँ मैं उनकी दो दो लाइनें सुना के बात कहना चाहूँगा कि ये जाति को जूते मारते थे भाई, ये जाति के विरोधी थे, ये जातियों को ख़त्म करने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने में लगे थे। आप इन्हें जातिवादी मत बनाइए और अपनी जाति के बेड़ियों में मत बांधिए, इनसे प्रेरणा लीजिए। ये विश्व गुरु हैं, ये क्रांतिकारी महामानव हैं, क्रांति युग पुरुष हैं। जैसे रैदास जी कहते हैं, जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, रैदास मनुष्यता को खा रहा जात पात का रोग, जात जात में जात है ज्यों केलन के पात, रैदास मानुष ना जुड़ सके जब तक जात ना जात।
ये बात कहने वाला व्यक्ति चमार कैसे या जाति का कैसे हो सकता है या जाति के बंधन में उसे कैसे बांधा जा सकता है। वो तो हर जाति के हैं, हर वर्ण के हैं, वो तो मानवता की बात कर रहे हैं, मानस के जुड़ने की, मानव मानव के जुड़ने की बात कर रहे हैं और जाति को बाधा मानते हैं, जाति को निस्तो नाबूद करने की बात कर रहे हैं। इसी तरह कबीर जी कहते हैं, कबीर कुआं बस एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन ही में भेद है, पानी सब में एक। वो भी यही कह रहे हैं कि सब इंसान एक जैसे हैं, सब में एक जैसा जीवन है, सब में एक जैसी दिनचर्या है, सब में एक जैसा सांस लेना, खाना पीना, हर तरह का रहन सहन, पूरी जिंदगी के प्रोसीजर सब में एक जैसे हैं। अगर आप उनको बांटना चाहते हो तो जातियों में नहीं बांट पाओगे, और हम कबीर जी को भी नहीं बख्शते। वही कबीर जी कहते हैं, बामना जे तू बामनी जाया, आन बाट अबे काहे नहीं आया, तुर्का जे तू तुर्क नहीं जाया, अंदर खतना क्यों ना कराया। और हम कबीर जी को किसी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ण का मानते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है, हमारे जितने भी क्रांति युग पुरुष हुए हैं, महामानव गौतम बुद्ध से लेकर आज तक जितने भी हुए, चाहे संत चोखा मिला हो, चाहे क्रांति युग पुरुष रविदास जी हो, क्रांति युग पुरुष कबीर जी हो, क्रांति युग पुरुष सैन जी महाराज हो, क्रांति युग पुरुष गोरे जी महाराज हो, पीपा जी महाराज हो, धन्ना जी जाट हो, क्रांति युग पुरुष बाबा नानक जी हो, या हमारे फुले साहब हों, राष्ट्रीय महामानव राष्ट्रपिता हमारे महामानव ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति माता सावित्री बाई फुले हों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, प्यारी रिवी रामा स्वामी नायकर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, कितने हैं अयंकाली, मैं कितनों का नाम लूँ, अनगिनत अनगिनत। इन सब की दिशा और दशा बिल्कुल एक थी, हम इनकी दिशा से भटक चुके हैं, वर्णों और जातियों को और हिंदू धर्म को अपना मान रहे हैं। हिंदू धर्म का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, किसी धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं है, ये पर्शियन वर्ड है, फारसी का शब्द है, ये 11वीं शताब्दी में अलबरूनी ने सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया, 16वीं शताब्दी में एक इंग्लैंड का रिलीजियस पर्सन था क्रिश्चियन फ्रायर, उसने यूज़ किया था, या फिर उसके बाद अब जब अंग्रेज़ यहाँ पर बस गए उसके बाद थोड़ा बहुत इस्तेमाल होने लगा, और ब्राह्मण खास करके इसको 1920 तक अपोज करते रहे। सैकड़ों मेमोरेंडम उन्होंने दिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि हमें हिंदू ना कहो, हिंदू शब्द हमें मुगलों की दी हुई गाली है, हमें मत हिंदू कहो। और केसरी नाम के पेपर में बाल गंगाधर तिलक के आए दिन आर्टिकल्स आते थे, लगातार लेख आते थे कि हम हिंदू नहीं हैं। ये तो 1918 में इंग्लैंड में चार क्वालिफिकेशंस में से दो खत्म होगी वोट डालने के लिए, और 1919 में इंडिया में फर्स्ट इंडिया एक्ट आ गया, तो इनको पता चला आज नहीं तो कल इंडिया में वोट पड़ेंगे, तो ब्राह्मण के नाम पे हमें वोट नहीं मिलेगा। तब इन्होंने ब्राह्मण महासभा बना रखी थी, फटाफट डाइल्यूट करके उसको हिंदू महासभा बनाया, और फिर जल्दी से हिंदू एक्सेप्ट नहीं होगा इसलिए RSS बनाई। तो RSS, हिंदू महासभा, हिंदुत्ववादी संगठन, इन षड्यंत्र के माध्यम से पिछले 100 सालों में लगातार हमारी ब्रेन वॉशिंग करके, 5-6 पीढ़ियों का दिमाग ख़राब करके हमारे अंदर ये भावना भर दी गई है कि हम हिंदू हैं। आज SC ST OBC इस मुगालते में है, जो मुस्लिम सिख क्रिश्चियन नहीं बना, वो इस मुगालते में है कि वो हिंदू है। अरे भाई, ये हिंदू धर्म ही नहीं है, ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मण विदेशी है, यूरेशिया से आया हुआ, उसका DNA हमसे नहीं मिलता, वो विदेशी ताकतों का एजेंट है यहाँ पे, वो भारत को और भारत के मूल निवासियों को आगे बढ़ने से रोकना चाहता है, वो आपका सारा पैसा लूट के विदेशों में ले जाता है, आपकी सारी टेक्नोलॉजी और अच्छे अच्छे ब्रेन जो है ब्रेन ड्रेन करके विदेशों में भेज रहा है, ताकि विदेशी देश हमसे आगे रहें और हम भीख मांगते रहें। आपको इन ब्राह्मणों का षड्यंत्र समझना होगा और हिंदू धर्म को इसका पर्दाफाश करके ध्वस्त करना होगा, आपको वर्ण और जातियों को समाप्त करना होगा। जिस दिन वर्ण और जातियां समाप्त हो गई, हिंदू धर्म समाप्त हो जाएगा। ये 8वीं शताब्दी के बाद की पैदाइश है, केरल में पैदा हुए शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य 788 में जिसका जन्म हुआ, 820 में जिसकी डेथ हो गई, उसने बुद्ध, जो समाधि में बुद्ध की मूर्तियां थी, उसको शिवजी डिक्लेयर कर दिया। 11वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य, जो तमिलनाडु में पैदा हुआ, उसने लेटे हुए बुद्ध को विष्णु डिक्लेयर कर दिया। 13वीं शताब्दी में ब्राह्मणों ने बुद्ध की छोटी मूर्तियों को, माँ तारा माँ भद्रा की मूर्तियों को, इन्होंने शक्त शक्ति का रूप, देवियों का रूप, शक्त मत डिक्लेयर कर दिया। यही तीन मत जो हैं हिंदू धर्म के आधार हैं, और इसके 13 अखाड़े हैं, बदमाशों के गुंडों के जो जगह घेरते हैं, पार्कों में मंदिर बनाते हैं, सड़कों पर मंदिर बनाते हैं, गलियों में मंदिर बनाते हैं, हमारे घरों में मंदिर बनवाते हैं। तो तीन मत और 13 अखाड़ों के इस षड्यंत्र के तहत, और पिछले एक साल से RSS
और हिंदुत्ववादी संगठन लगातार हमारी महिलाओं का खास करके और महिलाओं के माध्यम से हमारे बच्चों का, मेल फीमेल सबका, ट्रांसजेंडर सबका ब्रेन वॉश करके है हमारे एससी एसटी ओबीसी को इस भ्रम में लगातार डालते जा रहे हैं कि तुम हिंदू हो। तो साथियों, जाति जानवरों की होती है, कुत्ता एक जाति है, घोड़ा एक जाति है, हाथी एक जाति है, जातियाँ पेड़ों की होती हैं, आम के पेड़, बैर के पेड़, सेब के पेड़, अखरोट के पेड़, बादाम के पेड़, पेड़ों की जातियाँ, जानवरों की जातियाँ, मछलियों की जातियाँ, इंसान की कोई जाति नहीं होती। इंसान तो खुद एनिमल किंगडम की एक जाति है, इंसान तो खुद जानवरों की एक जाति है, जानवरों में से ही एक जाति इंसान है जो जानवरों से सबसे एडवांस स्टेज पे है, और इतनी एडवांस स्टेज पे है कि मार्स पे जा रहा है, चांद पे जा रहा है, मगर देखिए कैसा गधा है कि जाति और वर्ण और हिंदू धर्म से नहीं निकल पा रहा। तो इस गधेपन से निकलिए, मैं सबसे ये निवेदन करना चाहूँगा, और जो मैंने फार्मूला सभी जातियों और सभी वर्णों को दिया, मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा, हाथ जोड़कर सभी बिरादरी के प्रधानों को, सेक्रेटरीज को, ऑफिस बीरर्स को ये विनती करना चाहूँगा, इवन जो दुश्मनों के दलों में, राजनीतिक दलों में एससी एसटी ओबीसी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा, ये धर्म वर्ण जाति छोड़िए, आइए मानव मानव एक समान के फार्मूले पे बात करें, और सभी मानव एक समान हों, हम सब मूल निवासी बहुजन एकजुट हो जाएं और इस देश में बैठे दुश्मन को चैलेंज करें और उनसे शासन प्रशासन न्यायपालिका और इस देश की सारी जितनी भी संपदा है उनसे छीन लें, अपनी आने वाली पीढ़ियों को दें, ताकि ये जो देश है समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज के बेस पे बने और चले, और फुले शाहू अम्बेडकरी का जो सपना था कि भारत फिर एक बार स्वर्णिम युग में जाए, जैसे बुद्ध काल हमारा स्वर्णिम था, बिल्कुल वैसा ही स्वर्णिम युग में जाए और पूरे विश्व को लीड करे। आइए एक ऐसे भारत के सपने को साकार करें और आने वाली पीढ़ियों को एक खुशहाल भारत देके जाएं, यही एक फार्मूला मुझे नज़र आता है। मैं आह्वान करता हूं उन सब युवाओं का, मेल फीमेल सबका, लड़कियों का, लड़कों का, यंग जितने भी हमारी जनरेशन है, और मैं अपने प्रधानों से भी ये निवेदन करता हूं और मैं हर वर्ग के लोगों से ये निवेदन करता हूं, आइए अब एकजुट हो जाएं इन सब चीज़ों से जो गंदगी हमारे दिल दिमाग में भर दी है, जो जहर दुश्मन ने हमारे दिलों दिमागों में भरा है, इससे ऊपर उठें, एक समाज बनाएं। और यूथ से खास करके मैं निवेदन करना चाहता हूं, अब हमें नौकरियां नहीं चाहिए, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हम आपके लिए लड़ रहे हैं, और आप 10-10, 12-12, 15-15 हज़ार की नौकरियां कर रहे हैं, कैसे शादी करेंगे, कैसे बच्चे पैदा करेंगे, कैसे घर बनाएंगे अपना, कैसा जीवन जिएंगे, इन्होंने आपका सब कुछ बर्बाद कर दिया और मोबाइल आपके हाथ में देकर उसमें इतना गंदगी आपके हाथ में सौंप दी है कि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। उठिए, उभरिए इससे बाहर, आइए अपनी चेतना में वापस लौट आइए और आइए संघर्ष करें, क्योंकि संघर्ष का रास्ता ही हमारा एकमात्र रास्ता है। बाबा साहब ने कहा था, लोगों को एजुकेट करो, फिर उनको एजिटेट करो, ताकि वो ऑर्गेनाइज होकर अपने भविष्य को बना सकें, तो आपके लिए दरवाजे खुले हैं। फुले साहब ने भी कहा था, विद्या बिना मति गेली, मति बिना नीति गेली, नीति बिना गति गेली, गति बिना वित्त गेले, वित्त बिना शूद्र खचले, एवडे अनर्थ एकले अविद्या ने केले। तो आइए वो एजुकेशन जो आपने स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटी से लेनी थी ले ली, अब असली एजुकेशन जो फुले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा की है, आइए वो एजुकेशन लीजिए और इस देश की बागडोर को अपने हाथ में लीजिए। कल हम नहीं रहेंगे, आज बाबा साहब चले गए हैं, फुले साहब चले गए हैं, बुद्ध चले गए हैं, रैदास कबीर इस दुनिया से चले गए हैं, उनकी विचारधारा जिंदा है, आइए इस विचारधारा को अपनाइए, हम भी चले जाएंगे, अब आपको ये भारत संभालना है। तो मैं आप सबका आह्वान करता हूँ, आपसे अपील करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट, निवेदन, इल्तिजा करता हूँ, आइए अब इस मूवमेंट में जुड़िए और इसे संभालिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी अनिल जी आपका, आपके चैनल का और सभी सुनने और देखने वालों का, इस आशा और विश्वास के साथ कि जल्द ही आपकी चेतना जागेगी और आप हमसे जुड़ेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय साथियों, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहार, जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा, तो इन्होंने काफ़ी बड़ी बात कह दी है, इन्होंने ऐसी बात की है कि ये लड़ाई आपके बच्चों की लड़ाई है, आपके परिवार की लड़ाई है, और अपने समाज में जो 13 की 13 कौमें हैं एससी में, उनको इकट्ठा करने की लड़ाई है, तो वो आप पे डिपेंड है कि आपने कौन सी लड़ाई लड़नी है, जहाँ तो बाबा साहब के मिशन पे चलना है, तो जहाँ सिर्फ पगड़ी की लड़ाई है, पगड़ी छोड़ो और बाबा साहब के मिशन पे फोकस कीजिए। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद।